एनर्जी थी। ओके, डिफरेंट टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, बाद में हमने चेक किया था पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, रिपल्सिव फोर्स, नेगेटिव पॉजिटिव, अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, उसके बाद आगे कंप्लीट किया था कि किस डिवाइस से हम सिंपली किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज है कि नहीं, प्रेजेंस है कि नहीं, वो चेक करने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप यूज करते हैं। ओके, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट लिखी थी, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट लिखते कूलम। और बाद में हमने लिखा था बेसिक इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू 1.6 10 टू माइनस 19 कूलम। लेकिन ये जो आया कूलम वो कहां से आया, तो इलेक्ट्रिक चार्ज सॉरी इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्मूला थी, 10th में ओम्स लॉ में पढ़ा था, I इज इक्वल टू Q by I. ओके, एंड देयरफॉर Q इज इक्वल टू I into D. So SI unit of electric charge is ampere into second. SI unit of electric charge is ampere into second. लेकिन इसी यूनिट को उसने कूलम लिखा, इसी यूनिट को क्या लिखा, कूलम। और इससे इसकी डायमेंशन फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, एम जीरो क्योंकि केजी नहीं है, एल जीरो क्योंकि मीटर भी नहीं लिखा, टी रेस टू वन क्योंकि सेकेंड है, टी रेस टू वन। So m0 l0 t1 a1 is the dimensional formula of electric charge. Okay? अब 12th में कभी-कभी ऐसा नहीं बताते कि electric charge की sign suppose q है. Electric charge की sign क्या है? q. तो dimensional formula बनाओ. So m0 l0 t0 q raised to 1. इस तरह से भी लिख सकते हैं. लेकिन जब वो लोग बताएंगे तब, क्योंकि ऐसा यूनिट में नहीं आता. हम जानते हैं कि dimensional formula only and only different phi sign से create की जाती है. m L, T, K for temperature and A for electric current. लेकिन कभी कभी ऐसा वो लोग एग्जाम में पूछते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की साइन कैपिटल क्यू है, सो डायमेंशनल फॉर्मूला इज एम जीरो एल जीरो टी जीरो क्यू रेस टू वन। ओके, बाद में मैंने लिखा था कि मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, इस टाइप की भी कैलकुलेशन हो सकती है, बाय डिफरेंट थोड़े एमसीक्यू सॉल्व किए थे, वन कूलम पॉजिटिव चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये सब इसमें रिपीट कराओगे लास्ट वीक में हमने क्या किया तो आपको पता चल जाए, वन कूलम पॉजिटिव चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है। ओके, बाद में मैंने लिखा था NO3 माइनस 1 की इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगी, Fe प्लस 2 की इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगी, ये सभी चीज ओके लास्ट हमने कंप्लीट किया। ओके, उसके बाद आया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की कंजर्वेशन होती है, किसी भी इलेक्ट्रिक सिस्टम के अंदर प्रोसीजर होगी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगी, तो जितने पॉजिटिव प्रोड्यूस होंगे उतने नेगेटिव होंगे, मतलब दोनों की एडिशन क्या हो जाएगी, जीरो। ओके, मतलब ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ऐसा लिखा था। ओके, उसके बाद हमने कंप्लीट किया था चार्ज इंडक्शन वाली फॉर्मूला, सॉरी चार्ज इंडक्शन की मेथड। चार्ज इंडक्शन की मेथड में दो चीज थी, विद कांटेक्ट एंड विदाउट कांटेक्ट। ओके, विद कांटेक्ट में भी हमने दो मेथड बताई थी, एक फ्रिक्शन वाली, या आइडेंटिकल दो स्फीयर है दोनों को वायर से कनेक्ट कर दो तो दोनों के ऊपर 50-50% इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। बाद में विदाउट कॉन्टेक्ट में बताया था टू स्फीयर है, डिफरेंट दो स्फीयर देने के बाद इसको इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे प्रोड्यूस करेंगे, अ सिंगल स्फीयर में कैसे, इतना काम हमने लास्ट वीक में कंप्लीट किया था। क्लियर? तब मैंने एक चीज और भी आपको दी थी, द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। पहले चार्ज के पांच या छह पॉइंट, मैंने तो आपको छह पॉइंट थे लेकिन पांच ही याद रखने के लिए बताया था, फिर से बोल रहा हूँ, चार्ज के डिफरेंट फाइव पॉइंट थे। पहले इट्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज होगा तो क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, चार्ज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, इट मे बी पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, बाद में लिखा है इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन अ स्पीड, मैंने बता दी कि ये नहीं लिखेंगे तो चलेगा, ये नहीं लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि आइंस्टाइन की इक्वेशन से मास स्पीड के साथ चेंज होता है, इसलिए उसने चार्ज में भी लिखा कि ये पॉइंट याद नहीं रहेगा तो चलेगा। ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट, अ फोर्स प्रोड्यूस बाय इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, सो रिपल्सिव फोर्स, बट पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा तो अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, नाउ ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या लिखेंगे, कूलम। तो डिफरेंट सिक्स पॉइंट है लेकिन आपको फाइव बता के आपको याद रखना है। ओके, नाउ सिमिलरली फाइव या सिक्स पॉइंट इन मास, so mass also produce gravitational field, charge electric field देगा, क्या देगा, gravitational field। okay, so the amount of substance, mass क्या बताता है,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, मास नेगेटिव नहीं होता, ये ऑलवेज क्या रहेगा पॉजिटिव. मास इंक्रीज विद द इंक्रीज इन स्पीड, इट्स एक्सट्रीमली हाई स्पीड. जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड नियरेस्ट टू लाइट वेलोसिटी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तब उसकी मास इंक्रीज होती है. आइंस्टाइन में आइंस्टाइन की इक्वेशन से मिलता है, इसमें ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, दोनों साइड से पॉइंट कैंसिल कर देना है. ओके, नाउ फोर्स प्रोड्यूस बाय द मास इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, मास से प्रोड्यूस होने फोर्स ग्रेविटेशन है. ग्रेविटेशन में ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होता है, वहां रिपल्सिव नहीं होता, और यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम. क्लियर? तो इतना सारा हमने लास्ट वीक में कंप्लीट किया था. ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की इंफॉर्मेशन होगी. तो दो इलेक्ट्रिक चार्ज जब वैक्यूम में रखेंगे, फ्री स्पेस में रखेंगे, तो ये दोनों के बीच लगने वाली फोर्स हमने अभी बताया पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, रिपल्सिव, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्टिव. तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले पॉइंट चार्ज यूज किया हुआ है टेक्स्ट बुक में भी, पॉइंट चार्ज. एक काम करो, अभी अभी आप लोग क्या करेंगे कि हो सके तो टेक्स्ट बुक परचेस कर ले, मैंने आपको सेंड तो कर दिया पीडीएफ. ओके, तो क्या होगा कि आपकी वर्क प्रॉपरली होने लगेगी, टेक्स्ट बुक होगी तो आप स्टेटमेंट अंडरलाइन कर पाएंगे और सब कुछ न्यूमेरिकल और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सब कंप्लीट होने लगेगा. अभी अभी टेक्स्ट बुक मिलेगी, बाद में क्या होगा कि स्कूली सॉरी सभी क्लासेस या कंसेप्ट स्कूल के अंदर ट्वेल्थ स्टार्ट हो जाएगा तो टेक्स्ट बुक मिलना प्रॉब्लम हो जाएगी. ओके, पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है कि पॉइंट चार्ज को डायमेंशन नहीं होता, लेकिन चार्ज की एग्जिस्टेंस होती है, इसको पॉइंट चार्ज बताया जाता है. हेलो, ओके, पॉइंट चार्ज. ओके, तो दो पॉइंट चार्ज आप सपोज वैक्यूम में रखेंगे, एस फॉर एग्जाम्पल Q1, सेकेंड चार्ज Q2. ओके, ये Q1 Q2 चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स, ओके, पहले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज. ये कूलम्स है, कूलम ने सबसे पहले स्टेटमेंट दी थी, the electric force between two point charge inversely the square of distance between them, okay, but directly proportional to product of magnitude of two charges, product of magnitude of two charges, but directly proportional, but inversely proportional to square of distance. So similar, जैसे हमने gravitation field में लिखा था, F is proportional to M1 into M2, but inversely proportional to square of distance. ये gravitation में था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, तो दोनों में ज्यादा कुछ चेंज नहीं है. ओके, तो यहाँ हमने ऐसा लिखा था एफ जी इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 / r² इन चैप्टर नंबर 8. ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स की फॉर्मूला थी. ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी? पहले तो कैपिटल जी क्या है? 6.67 6.67 × 10⁻¹⁰ N⁻⁷ m² = kg². लिखा एफ एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 / r² के Q1 Q2 / r² ओके, इस के की वैल्यू 9 × 10⁻¹⁹ N·m² / C² होगा. प्रैक्टिकली 9 × देखो के इज इक्वल टू लिख रहा है तो K = fr² / Q1 × Q2. ओके, तो उन लोगों ने बताया कि K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर. क्लियर? लेकिन एक्चुअली ये जो यूनिट है ना, समझ के ऑब्जर्व करने के लिए निकाल देते,
एक्चुअली जो हमने ये यूनिट लिखा कि इसे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, उसकी डैमेज का फॉर्मा बनानी पड़ेगी। डैमेज का फॉर्मा पहले न्यूटन के लिए m1 t − 2। देखो ये अभी तक प्रॉब्लम में है, सपोज डैमेज का फॉर्मा तो पूरे 12th में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्लियर? इसलिए अभी भी डैमेज का फॉर्मा कंप्लीट करनी है। ओके, मीटर स्क्वायर मतलब L2 कूलम स्क्वायर, आज मैंने कूलम के लिए डैमेज का फॉर्मा लिखी थी, m0 L0 e^1 e^1 whole square। सो नाउ डैमेज का फॉर्मा ऑफ k क्या लिख सकते हैं, m1 L3 not 2 L3 t − 2, ऊपर ये रहेगा और नीचे e^2 and e^2 स्क्वायर करेंगे तो सो नाउ m1 L3 ये ऊपर जाएगा तो e^2 − 4 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ k, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अब एक चीज और, पहले यहां तक पता चल गया? यस सर। अब देखो सिमिलर है जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में था, इसी तरह से मैंने लिखा है कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k रखा, k की प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है वो मैंने आपको बताई, k की प्रैक्टिकल वैल्यू 9 × 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ओके, इससे हमने इसकी डायमेंशन फॉर्मूला क्रिएट की, इस टाइप की डायमेंशन फॉर्मूला आती है, पहले न्यूटन के लिए m1 l1 d - 2 l2 लिख दिया, सिंपलीफिकेशन ये आएगा। ओके, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k लिखा लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, फिर से यहां लिख रहा हूं फॉर्मूला f इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला फिर से लिख, ओरिजिनल k की वैल्यू है 1 / 4 πε0 q1 q2 r स्क्वायर, कांस्टेंट इतना बड़ा है हर बार इतना ज्यादा नहीं लिखना पड़े, इसलिए लोगों ने k करके लिख दिया। फिर से बोला k की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 / 4 πε0, इतना बड़ा कांस्टेंट है। ओके, तो इतने बड़े कांस्टेंट की वैल्यू ऑलवेज लिखनी पड़े, इससे अच्छा है k लिख लो, k की वैल्यू क्या है 9 × 10⁹। ओके, ये ε0 क्या है, ε0 इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, टेक्स्टबुक में लिखा होगा ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जिसकी वैल्यू होती 8.9 × 10⁻²² कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर से ε0 की वैल्यू 8.9 × 10⁻²। Yes sir, दिया है। Okay, upon Newton meter, sorry, Coulomb square upon Newton meter square. अब check करो। बोलो। सर ये permittivity of free space मतलब? वो उसने word लिखे कि कौन सी constant है। तो लिखा permittivity of free space मतलब electric constant है, लेकिन for free space, free space मतलब without medium. Without medium जब 2 point charge होंगे तो जो force लगेगा इस calculation से आप complete कर सकते हैं। ओके, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, 1/4 πε0। ओके, वहां ε0 क्या है, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हमने कैपिटल जी लिखा था, तो कैपिटल जी क्या बताया था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। तो सिमिलरली ε0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस उस तरह से लिख के दिया है। अब एक बात और है कि सपोज आप ये सब यहां ऐड, मैंने इसकी डायमेंशन फॉर्मूला बाकी रही, देखो हमने k के लिए यूनिट लिखा था न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ε0 की यूनिट लिखी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, दोनों रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल करो ये मिलेगा, इसकी रेसिप्रोकल करो ये मिलेगा, बराबर? तो इसका मतलब इस डायमेंशन फॉर्मूला की रेसिप्रोकल लिखेंगे तो इसकी डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगी मतलब m−1 L−3 e^2 4 then a^2 is the dimension of formula of ε0। ये सभी पॉइंट हर रोज जो पढ़ेंगे क्लियरली प्रिपेयर करना है, 100% याद रखो, याद पढ़ लिया भूल गए तो प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा होगा, 3 चैप्टर तक ये चलने वाला है,
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ओके मैंने आपको लिखे थे 7 मार्क्स, 8 मार्क्स एंड 9 मार्क्स फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, बराबर। तो प्रॉपरली पूरा कंप्लीट आपको याद रखना चाहिए। ओके एक चीज और भी है, चलो सब मैंने यहाँ ऐड कर दिया, ओके इसको सिंपलीफाई करो, आंसर क्या आ रहा है? तो सबसे पहले 10^12 ऊपर जाएगा, तो 10^12 होगा, 10^12 ऊपर गया तो क्या लिखेंगे? +12, ओके ओके +12 में से मैंने लिखा 10^3 इनटू 10^9 0.00894 कितना? 0.008945 बताओ, 0.008945 करेंगे दो और तीन, पहले मैं 8.9 लिखता हूँ, 8.9 10^9, सो इज अप्रोक्सीमेट 9 × 10^9, ये मैंने लिखा था, देखो यहाँ है, सो के की 9 × 10^9 रहेगा। ओके सो पहले ये वाली टॉपिक जो मैंने पढ़ाई, सिर्फ ये कूलम्स ला एक्सप्लेन किया, सो जो कांस्टेंट की वैल्यू एक्सप्लेन की, ओके बाद में मीडियम की बात करी, ये फ्री स्पेस में है, मीडियम में होगा तो क्या होगा, पहले टेक्स्ट बुक से इतना पढ़ लो, टॉपिक का 1.6 कूलम लॉ, सर बोलो सर, मैक्रोस्कोपिक स्केल कैसी है? माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक दोनों से 11th में पढ़ाया था। मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि जिस फिजिकल क्वांटिटी को किसी डिवाइस से या इक्वेशन से आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसको मैक्रोस्कोपिक बताया जाएगा, बट माइक्रोस्कोपिक मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल के साथ कनेक्टेड फिजिकल क्वांटिटी है, एज फॉर एग्जाम्पल कि न्यूक्लियस के अराउंड जब इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा, न्यूक्लियस के अराउंड जब इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो वो जो कैलकुलेट करना वो माइक्रोस्कोपिक होता है। ओके
लेकिन किसी ऑब्जेक्ट के लिए प्रेशर टेम्परेचर डेंसिटी मेजर करना वो मैक्रोस्कोपिक होती है. देयर डिफरेंट टू टाइप्स, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक. कंप्लीट हो गया? नो सर. हाँ हो गया. पहले तो ये सब पता चल गया तो इसमें ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब एक और कूलम से तो मैंने एक्सप्लेन किया, फ्री स्पेस के लिए है. लेकिन सपोज सर ये क्वेश्चन फिर से लिखो, ये दोनों इलेक्ट्रिक चार्ज फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम, वैक्यूम जहां मीडियम नहीं है. ओके, वहां जब आप रखेंगे तो ये फॉर्मा होती है F is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square. Okay? Free space के लिए. लेकिन सपोज किसी मीडियम में रखेंगे तो, दो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी मीडियम में रखेंगे तो मीडियम के अंदर लगने वाली फोर्स 1 upon 4 pi epsilon. Epsilon 0 is a permittivity of free space. But epsilon is a permittivity of medium. ये फ्री स्पेस के लिए और ये मीडियम के लिए इनटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, इनटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर फॉर फ्री स्पेस. बट 1 अपॉन जस्ट अ मिनट, ओके तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी एप्सिलॉन 0, सो फोर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. बट अब ये दोनों चार्ज किसी मीडियम पे तो किसी मीडियम के अंदर हम रखेंगे तो परमिटिविटी ऑफ फॉर मीडियम ऐसा हो जाएगा. सो Fm इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. ओके, जब ये दोनों की रेशियो फाइंड करेंगे, जब ये दोनों की हम रेशियो फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा? F upon Fm. Okay, इसकी रेशियो क्या होगी? Epsilon upon Epsilon 0. हो सकता है? Epsilon upon, क्योंकि ये दोनों के बीच में है तो डिनोमिनेटर वाला ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, ये तो कैंसिल हो गया. So F upon Fm is equal to Epsilon upon Epsilon 0. Now Epsilon upon Epsilon 0. Epsilon upon Epsilon 0 is a relative permittivity, permittivity of medium, permittivity of free space. So ratio is relative permittivity, relative permittivity. Yes, को capital K लिखा जाता है, dielectric constant, dielectric constant. Okay, पहले तो इतना फिर से बता रहा हूँ. ये जो है free space के लिए, ये किसी medium के लिए है. Free space के लिए epsilon zero लिखा, medium के लिए epsilon लिखा. दोनों के रेशियो फाइंड करेंगे, एफ अपॉन एफ एल फ्री स्पेस अपॉन मीडियम वाली फोर्स, ये दोनों के एप्सिलॉन अपॉन क्या होगा? एप्सिलॉन 0. ओके, एप्सिलॉन की यूनिट क्या थी? यहां लिखी थी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर. एप्सिलॉन 0 की यूनिट पर कूलम अपॉन मीटर, कूलम अपॉन न्यूटन मीटर. लेकिन ये दोनों की जब रेशियो फाइंड करेंगे तो ये होगा रिलेटिव परमिटिविटी इन डायरेक्ट कांस्टेंट. अबे नो यूनिट नो डायमेंशन फार्मूला, इसकी यूनिट नहीं होती, इसकी डायमेंशन फॉर्मूला भी नहीं होगी. क्यों? रेशियो हो गया, रेशियो हो गया तो रिलेटिव परमिटिविटी है, नो यूनिट नो डायमेंशन फॉर्मूला. ओके, और
ये था स्मॉल के, इसको कैपिटल के लिखेंगे, इसे डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, क्या लिखेंगे, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। चलो इसकी इंफॉर्मेशन हो गई। अब एक चीज और, नाउ एफ इज इक्वल के इंटू एफ एम, मतलब फ्री स्पेस में लगने वाली फोर्स मीडियम में लगने वाली फोर्स से के टाइम्स ज्यादा है। फिर से, फ्री स्पेस में लगने वाली फोर्स मीडियम में लगने वाली फोर्स से के टाइम्स ज्यादा। ये फ्री स्पेस और ये मीडियम दोनों की रेशियो क्या हो गई, के, तो कौन सी फोर्स ज्यादा है पूछेंगे। सो एफ इज ग्रेटर देन एफ एम, फ्री स्पेस में लगने वाली फोर्स ज्यादा होगी मीडियम से। ओके, कितना ज्यादा होगा, तो लिखा एफ इज इक्वल टू के एफ एम, ऐसा होगा के एफ एम। एक्सप्रेसिव स्टेटमेंट होगी, तो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम इज वन अपॉन के टाइम्स द इलेक्ट्रिक फोर्स इन फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिक फोर्स इन फ्री स्पेस। ओके, ये सब पढ़ा आपने, चेक करो दो लिखा है। एक चीज और, जहां हम लोगों ने ये रेशियो लिखा है ना, एक स्टेटमेंट लिख देना है, तो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन आर के, सॉरी एप्सिलॉन आर एंड के इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, ऐसी एक स्टेटमेंट लिख देनी है। एप्सिलॉन आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, के मतलब डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ये दोनों के लिए यूनिट नहीं होती, डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगी। ये सिर्फ और सिर्फ हमने अभी जो कंप्लीट किया, सिर्फ कूलम्स लॉ वाली ही कंप्लीट की, कूलम्स लॉ। है कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। ओके, अब देखो इसकी लिमिटेशंस है, कूलम्स लॉ की भी लिमिटेशंस है, कि कूलम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए यूज किया जाता है। कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं जिसके लिए हम कूलम्स यूज कर सकते हैं? तो सबसे पहले चार्ज शुड बी द पॉइंट चार्ज, चार्ज शुड बी द पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस मतलब हैव नो डायमेंशन बट इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज है लेकिन डायमेंशन है, डायमेंशन मतलब इतना छोटा है कि लेंथ ब्रेथ हाइट डायमीटर कुछ नहीं मिलता। ओके, मतलब चार्ज शुड बी द पॉइंट चार्जेस। सेकंड पॉइंट, द चार्जेस चार्जेस शुड बी एट रेस्ट, यानी ये दोनों जो है वो रेस्ट कंडीशन में होनी चाहिए, मोशन में नहीं होनी चाहिए, Q1 Q2 आर एट रेस्ट। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, the distance between charge should be the greater than 10^-15 meter, 10^-15 meter से distance ज्यादा होना चाहिए, r is greater than 10^-15 meter। लेकिन एक चीज और भी है, r is less than, ज्यादा होना चाहिए, कितना ज्यादा होना चाहिए, तो 10^-18 meter से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं दोनों के बीच में कुछ 10^-18 meter से ज्यादा होगा ना तो आपको आंसर नियरेस्ट जीरो मिलेगा। क्यों? ये आर की वैल्यू डिनोमिनेटर होती है, बाद में उसका स्क्वायर करेंगे तो बहुत कम वैल्यू मिलेगी, क्लियर। और इसलिए लिखा जाता है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस 10^-15 meter से ज्यादा, लेकिन 10^-18 meter से क्या होनी चाहिए, कम रहनी चाहिए। ओके, अब जो सर, और एक चार्ज मोशन में और एक चार्ज रेस्ट पे हो तो? नहीं, दोनों चार्ज रेस्ट कंडीशन में ही होना चाहिए, वरना कैलकुलेशन नहीं कर पाए। इसलिए तो लिमिटेशंस में लिखा कि दोनों चार्जेस पॉइंट चार्ज होने चाहिए, दोनों रेस्ट कंडीशन में होने चाहिए, दोनों के बीच की डिस्टेंस 10^-15 meter से ज्यादा होनी चाहिए और 10^-18 meter से कम रहनी चाहिए। इसके बाद किसी भी कंडीशन के अंदर इसको यूज करोगे पॉसिबल नहीं है, क्लियर। ये लिमिटेशंस ऑफ ओम्स, मतलब एक एक चार्ज रेस्ट पे और एक चार्ज मोशन पे हो तो नहीं होगा, नहीं ये कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, रेस्ट पे कैलकुलेशन होगी। इट इज ऑल, उन लोगों ने एक डेफिनेशन दी है इसी फार्मूला से, ये जो हमने फार्मूला लिखा, इस फार्मूला को हम इस तरह से लिखते हैं, एफ इज इक्वल टू के q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अगेन सपोज q1 इज इक्वल टू q2 इज इक्वल टू 1 कूलम, एंड सपोज डिस्टेंस आर इक्वल टू 1 meter, ये दोनों इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू 1 कूलम, ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है आर इक्वल टू सपोज 1 meter, सो q1 इक्वल टू 1, q2 इज इक्वल टू 1, आर मतलब 1 square, सो टोटल 1 हो जाएगा, 1 1 अपॉन 1 square 1 हो गया,
तो इसका मतलब F is equal to K, ये मतलब 9 into 10 minus 9 न्यूटन। तो MCQ के लिए काम में आएगा। Q1 Q2 is equal to 1, distance between two electric charges is 1 meter, so what is the force between these two electric charges? So 9 into 10 minus 2 9 न्यूटन, 9 into 10 minus 2 9 न्यूटन। पहले यहाँ तक कंप्लीट हो गया, पढ़ना बाकी हो तो एक बार पढ़ लो, क्योंकि अभी और टॉपिक पढ़ेंगे। कूलम्स लॉ का है, लेकिन कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्मेट। सपोज आपको पता है तो चैप्टर नंबर 8 इन 11th ग्रेविटेशनल फील्ड, वहां सबसे पहले हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कंप्लीट किया था, और बाद में उसको वेक्टर फॉर्मेट में एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ भी पहले कूलम्स लॉ पढ़ा, अब कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्मेट ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। पहले एक बार पढ़ना बाकी हो तो पहले इसको कंप्लीट कर दो। ये पढ़ लिया बाकी? अभी ये तो पढ़ लिया ना। ओके डन, चलो वेक्टर फॉर्मेट। वेक्टर फॉर्मेट वाले जो क्वेश्चन को प्रॉपरली प्रिपेयर कर रहा, क्योंकि 2 मार्क्स 3 मार्क्स दोनों कैटेगरी में एक क्वेश्चन होता है। ये भी होता है 2 मार्क्स, ये 2 मार्क्स में ही रहता है। राइट द कूलम्स लॉ एंड एक्सप्लेन विद कॉन्स्टेंट, ओके, तो 2 मार्क्स में रहेगा। लेकिन अब जो वेक्टर फॉर्मेट वाला है वो 2 मार्क्स 3 मार्क्स दोनों में रहता है। अब सपोज मैंने किसी एक ओरिजिन से गलत से डायग्राम बनाया, एक्सपेरिमेंट ने सिर्फ ओरिजिन ड्रॉ करके दिया, मैं ये ओरिजिन यहां बताऊंगा और दो इलेक्ट्रिक चार्ज रखूंगा P1 एंड Q2। ये होगा Q1, Q1 की जो पोजीशन वेक्टर है R1, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज R1। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज R2। ओके, ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव चार्ज होंगे। और सपोज ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों के बीच लगने वाली फोर्स रिपल्सिव फोर्स होगी। दोनों पे लगने वाली फोर्स क्या होगी? इस टाइप की फोर्स होगी, दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स रिपल्सिव फोर्स होगी। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर रिपल्सिव फोर्स निकल, मतलब इधर जाएगा। Q2 Q1 पे रिपल्सिव फोर्स निकला तो डायरेक्शन में जाएगा। ओके, नाउ दिस फोर्स इज F21। F21 मतलब फोर्स ऑन सेकंड इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू फर्स्ट, तो लिखेंगे F12। फोर्स ऑन फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू सेकंड, फर्स्ट सेकंड इलेक्ट्रिक चार्ज फर्स्ट पे जो फोर्स लगा है F1। सेकंड इलेक्ट्रिक चार्ज पे फर्स्ट से लगने फोर्स F21, सेकंड पे फर्स्ट से लगे F21, ये मतलब सेकंड पे लगने वाली फोर्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये फर्स्ट पे लगने वाली फोर्स विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। ओके, तो सबसे पहले हम इसको R21 लिखेंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम? R21, वेक्टर R21। तो R21 की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी? R21 का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू 1, ऐसा 2 का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू 1। ओके, चलो इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करने तो हो सकती है। हमने 11th में वेक्टर एडिशन की ट्रायंगल मेथड पढ़ी थी, 11th में वेक्टर एडिशन की ट्रायंगल मेथड पढ़ी थी। तो उसमें क्या था? फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, फर्स्ट की इनिशियल पॉइंट, लास्ट की फाइनल पॉइंट। तो इससे लिख सकते हम पहले वेक्टर R1, देन R21, and that is equal to R2, first vector R1, R21, first initial point, last the final point is R2, and therefore now R21 is equal to R2 minus R1. Okay, R2 minus R1, clear? Similarly, suppose मैं यहाँ R12 लिखूँगा तो R1 minus R2 भी मिल सकता है। ओके, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि R12
इज इक्वल टू माइनस आई टू वन, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट में है, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे क्या रहेंगे ऑपोजिट। ओके सर, इसकी मैग्नेट कैलकुलेट करनी है आर टू वन, आर टू वन इज इक्वल टू आर टू वन लिख दो तो भी चलेगा, इसकी मैग्नेट आर वन टू, इसको आर वन टू लिखेंगे तो भी चलेगा। मैग्नेट का मतलब क्या है, ये डिस्टेंस, आर टू वन बताओ या आर वन टू बताओ, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में तो आर टू वन, समझे इस डायरेक्शन में तो आर वन टू है, तो वही वेक्टर लेकिन डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट होगी। ओके दोनों की यूनिट वेक्टर लिखनी है, तो 11 में बताया यूनिट वेक्टर आर वन टू कैरेट इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नेट ऑफ वेक्टर, वेक्टर अपॉन वेक्टर मतलब आर टू वन अपॉन मैग्नेट ऑफ वेक्टर आर वन टू कैरेट, सो वेक्टर अपॉन मैग्नेट ऑफ वेक्टर, इतना कंप्लीटली पहले लिखना आना चाहिए। फिर से अब देखो, मैंने पहले डायग्राम बनाया, आर वन पोजिशन वैक्टर ऑफ क्यू वन, आर टू पोजिशन वैक्टर ऑफ क्यू टू, ओके फोर्स ऑन क्यू टू विथ रिस्पेक्ट टू क्यू वन इज एफ टू वन, फोर्स ऑन क्यू वन विथ रिस्पेक्ट टू क्यू टू इज एफ वन टू। ओके नाउ फर्स्ट से सेकेंड की ओर इधर मतलब जो पोजिशन वैक्टर इसको लिखेंगे आर टू वन, समझ और ड्रॉ करते हैं अपोजिट डायरेक्शन वाला, आर वन टू इसकी पोजिशन वेक्टर है फर्स्ट की विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड, तो मैंने पहले इसके लिए ट्राइंगल मेथड यूज किया, पहले आर वन प्लस आर टू वन इज इक्वल टू आर टू, आर वन आर टू वन इज इक्वल टू आर टू, देयरफॉर आर टू वन इज इक्वल टू उधर गया आर टू माइनस आर वन, नाउ मोड ऑफ आर टू वन इज इक्वल टू आर टू वन, आर टू वन कैरेट इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नेट ऑफ वेक्टर, वेक्टर तो यही होगा मेगा फैक्टर आर टू वन हो जाएगा, क्लियर। तो सिमिलरली यहाँ लिखना है अब इस डायरेक्शन के लिए आर वन टू, तो देखो पहले होगा आर टू प्लस आर वन टू इज इक्वल टू आर वन, मतलब आर वन टू इज इक्वल टू आर वन माइनस आर टू अपोजिट हो जाएगा, इसका मतलब ये दोनों इक्वल और अपोजिट है, दोनों इक्वल और अपोजिट, तो इसके लिए भी मैंने यूनिट वेक्टर कंप्लीट किया। ये सब क्यों लिखा, तो सबसे पहले मुझे लिखना है आर टू वन, आर टू वन का मतलब क्या है फोर्स ऑन टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, फोर्स ऑन टू, चलो सेकेंड पे लगने वाली फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू वन तो क्या लिखेंगे वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, ये तो फ्री स्पेस है, के फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू वन सेकेंड इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू टू, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी होगा आर टू वन स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या लिखेंगे क्योंकि हम क्या कैलकुलेट करें एफ टू वन, एफ टू वन करेंगे तो इस डिस्टेंस को कंसिडर करेंगे, मैंने लिखा आर टू वन होल स्क्वायर इनटू, चलो ये वेक्टर है तो डायरेक्शन कौन सी होगी, डायरेक्शन होगी आर टू वन कैरेट, मतलब जिस हेलो बोलो बोलो इस फोर्स की डायरेक्शन आर टू वन कैरेट के डायरेक्शन में होगी, इसलिए ये जो है वो फोर्स की मैग्नीट्यूड है और ये जो है वो फोर्स की डायरेक्शन है, इसका मतलब हमने फोर्स वेक्टर फॉर्मेट में लिखा, ये फोर्स किस डायरेक्शन अरे किस फॉर्मेट में है वेक्टर। ओके चलो सिमिलरली मुझे इस तरह से एफ वन टू लिखना है, फिर से वन अपन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो कांस्टेंट है, योगा क्यू वन योगा क्यू टू आर वन टू स्क्वायर, क्या लिखे आर वन टू कैरेट, आर वन टू कैरेट चीज लिखेंगे, बट आर टू वन इज इक्वल टू माइनस आर वन टू, मतलब ये दोनों इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, जो दोनों इक्वल और अपोजिट होते तो ये दोनों के क्या होंगे इक्वल और अपोजिट, क्योंकि ये तो कॉमन है दोनों में, ये दोनों इक्वल है अपोजिट है तो ये दोनों के क्या होंगे अपोजिट होंगे, मतलब इक्वल अपोजिट का मतलब क्या, ये जो मैंने लिखा वो डायरेक्शन बताए, लेकिन आप ऐसा लिख सकते हैं आर वन टू इज इक्वल टू आर टू वन, तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं एफ टू वन, तो मैंने वेक्टर नहीं लिखा, वेक्टर नहीं लिखा मतलब क्या हो गया मैग्नीट्यूड, यहाँ भी वेक्टर नहीं लिखा तो क्या हो गया मैग्नीट्यूड, दोनों की मैग्नीट इक्वल है लेकिन दोनों अपोजिट कंडीशन के अंदर है। ओके
तो ये वेक्टर फॉर्मेट उन लोगों ने एक्सप्लेन करके दिया, लेकिन मेरी बात सुनो, ये कब सही है कि Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव होंगे या Q1 और Q2 नेगेटिव होंगे तो उसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ये उधर ये उधर, कब हुआ? जब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे तो रिपल्सिव फोर्स होगा। लेकिन सपोज मान लो कि दोनों में से कोई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, किसी एक को मैंने पॉजिटिव बताया, सेकंड को क्या बताया? नेगेटिव। ओके, सपोज मान लो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तब तो ये दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स कौन सी होगी? अट्रैक्टिव होगी, और अट्रैक्टिव होगी तो ये फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। फर्स्ट से सेकंड पे लगने वाली फोर्स इस डायरेक्शन में, इधर क्यों? ये नेगेटिव है, पॉजिटिव, इसलिए अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ओके, ये भी क्या हो गया? अट्रैक्टिव, सेकंड से फर्स्ट में लगने वाली फोर्स, तो दोनों इस डायरेक्शन में हो जाएंगे। ये कैलकुलेशन कब है? जब Q1 ग्रेटर देन 0, Q2 लेस देन 0, मतलब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। पर पहली जो डायग्राम थी, ओके, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव के लिए था, क्लियर? अब एक बार वेक्टर फॉर्मेट वाली थियोरी टेक्स्ट बुक से पढ़ लो। आज सिर्फ और सिर्फ दो क्वेश्चन की तरह हमने काम किया है, एक कूलम्स लॉ एक्सप्लेन किया और कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्मेट इतना मैंने एक्सप्लेन किया। ओके, बीच में मैंने जो कैलकुलेशन दी वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ था, क्लियर? ये वेक्टर फॉर्मेट अंदर लिख के दिया होगा, चेक करो। है सर, है। हाँ, एक पढ़ लो पढ़ लो, दोनों क्वेश्चन की इंपोर्टेंस सबसे ज्यादा है। डन सर। ओके, तो ऐसे दो तीन जो पहले हमने एमसीक्यू किए थे उस टाइप के एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे आज, बाद में आज कंप्लीट कर लेंगे। देखो, पहले हमने वर्क ऐसा किया था कि टू इलेक्ट्रॉन सेट 1 सेंटीमीटर अपार्ट, सो व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, इसे हमने कैलकुलेशन की। दो इलेक्ट्रॉन 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखेंगे तो कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो हमने कैलकुलेट किया था। सिमिलरली दो प्रोटॉन एट 1 सेंटीमीटर अपार्ट तो कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो हमने कंप्लीट किया था। तो जब दो के चार्जेस के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो ड्यू टू मास, और सिमिलरली दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज, ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज। अब सपोज बताया जाए कि इलेक्ट्रॉन की चार्ज -1.6 × 10⁻¹⁹, प्रोटॉन की चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹। नाउ द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन एट 1 सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे? के Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, अब इसकी ज्यादा, जब ये वेक्टर में कैलकुलेट करना है तब माइनस प्लस लिखेंगे। सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है
तो माइनस प्लस की जरूरत नहीं है। मैंने अभी क्या बताया, दो इलेक्ट्रॉन पर वन सेंटीमीटर, सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दिस टू, या कूलम फोर्स बिटवीन दिस टू, एफ इज इक्वल टू के क्यू1 क्यू2 अपॉन आर स्क्वायर, सो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इसकी इलेक्ट्रिक चार्ज की, इसके लिए भी ए, सो नाउ वैल्यू ऑफ के इज 9 × 10⁻¹⁹, आज मैंने एक्सप्लेन किया था इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम and distance 1 cm so minus 2 whole square, यहाँ भी square लिखना पड़ेगा, b square है, चलो calculation बताओ, 1.6 × 1.6 × 9, twenty three point zero four. अब देखो ये 10⁻¹⁹ था, -4 ऊपर गया तो +4 हो गया, और ये 10⁻¹⁸ स्क्वायर होगा ना, -38, सो टोटल कितना होगा, वो 13 और ये 30 है तो 25, 10⁻¹⁹ हाँ 0.304 × 10⁻²⁴ न्यूटन, 2.304 × 10⁻²⁴ न्यूटन। अब सपोज क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए, कि टू प्रोटॉन 1 cm अपार्ट, सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है, कैसे कैलकुलेट होगा, एफ इज इक्वल टू के क्यू1 क्यू2 बाय 9 × 10⁻¹⁹, व्हाट इज द मैग्नेट ऑफ प्रोटॉन, अच्छा चार्ज ऑफ प्रोटॉन, व्हाट इज द मैग्नेट, वही होगा 1.6, हां 10⁻¹⁹ होल स्क्वायर 1 सेंटीमीटर, आंसर वही का वही आएगा, वही आया ना, तो इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन या दो प्रोटॉन 1 cm डिस्टेंस में होंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू इक्वल होती है, लेकिन हमने पहले कैलकुलेट किया था ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू डिफरेंट होती है, तो पहले आपने जो कैलकुलेट किया वो पता चला, अभी लिखा हुआ है तो चेक करो, दो इलेक्ट्रॉन 1 cm रखे तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कम आती है, लेकिन दो प्रोटॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू ज्यादा आती है, लेकिन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करेंगे, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए सपोज आप बात करेंगे तो दोनों की इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू इक्वल होगी, क्लियर, यस सर, और इतना ही रखो, पहले इसको प्रॉपरली रिवाइज कर देना, ओके, कल इसके थोड़े बहुत एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे और बाद में आगे वाली थ्योरी कंटिन्यू करेंगे, बराबर, चलो आज इतना ही रखेंगे, ओके सर, बाय सर, बाय Bye, sir. Bye.